चलिए शुरू करते हैं दैट इज कॉन्सेप्ट फोर्टी सिक्स पॉइंट टू कैम्बल की किताब से है और वो लगभग लगभग वन थाउजेंड ट्वेंटी नंबर पेज नंबर पे है जिसमें फर्टिलाइजेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मेकेजम दैट ब्रिंग द टूगेदर स्पॉम एंड एक्स ऑफ द ऑफ द सेम स्पीसीज ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कई क्रॉस ब्रीड्स वगैरह में आप स्पीसीज को चेंज करके कई बार टेस्टिंग भी किया जाता है और वो फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्सेज ठीक है तो गैमिट्स भी अगर सेम स्पीसीज के होते हैं तभी उसको एज अ गैमिट लिया जाता है अगर आप किसी दूसरे स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज के गैमिट uh, को किसी दूसरे स्पीज में डालिएगा स्पीसीज में तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी इंटरब्रीड काइंड ऑफ थिंग अप टू मजाक के तौर पे बोलता हूँ हो तो हम किसी और चीजों की तो बात नहीं करें लेकिन हमारे बॉडी पे तो कम से कम कई सारे फ्लावर उग गए होते और yes नो no? क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं उसमें पॉलिन ग्रीन तो बहुत सारा है यस और नो यस ठीक है बहुत सारा पॉलिल ग्रेल है और आप जो खाना खा रहे हो तो उसमें भी आपके जो प्लांट के एग्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं तो आप ही के बॉडी पे सूरजमुखी का फूल और बहुत सारा उगा हुआ होता <laughs> तो, है तो चीजें हैं तो कहीं ना कहीं सेम ब्रीड का अगर गैमेट्स मैच करता है तब जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है एंड देर आर डिफरेंट मोड इज इज द फनी पार्ट टू स्टार्ट द क्लास विद द यूनियन ऑफ ए एंड एग फर्टिलाइजेशन कैन एक्सटर्नल और इंटरनल तो दोनों भी जो स्प एक का जो मीटिंग होता है जिसके चलते आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल जनरली द सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समथिंग रिलेटेड विद द इंटरनल और जनरल कॉन्सेप्ट माइंड में होता है लेकिन कई स्पीशीज ऐसे हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हुए उन्होंने क्या किया होता है फर्टिलाइजेशन के लिए जितने भी गैमिट्स होते हैं स्पॉम एंड एक को वो उनके बॉडी के बाहर फ्यूज होता है और तब जाकर के वो आ, फ्यूजन भी बॉडी के बाहर होता है और वहां पे जा कर के वो फिर एक जो है वो कंप्लीट फोर्टस वगैरह का डेवलपमेंट करते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है सो इन स्पीसीज विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल रिलीज एग द वेयर द मेल देन फर्टिलाइज देम सो मोस्टली जो फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया जाता है इस मॉडल को समझने के लिए तो जो भी फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं एक को एन्वायरमेंट में रिलीज करती हैं और इन्वायरमेंट में रिलीज करने के साथ ही फिर मेल जो होता है वो उसको फर्टिलाइज करता है

कि किस तरीके से 46.2 और फोर्टी ये आपको या उसके डिटेल के बारे में बताता है मैं पढ़ा रहा हूं और पीछे उन्नीसवा चैप्टर का उन्नीस पॉइंट करके दिया हुआ है याद होगा आपको जब हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे एन का टॉपिक डिस्कस करते थे तो पिछले किसी चैप्टर या पेज का वो रेफरेंस कोट करते थे यस और नो 186 इस तरह से करके yes. तो वहां से yes. क्या होता है हाँ कि अगले वाले इसके बारे में जो डिटेल है वो भी बताया है कि वो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे जो एक जनरल फेनोमेना है सिर्फ उसको देखने की कोशिश कर करें द मॉइस्ट हैबिटेट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ड्राई इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता यह मॉइस्ट होगा एक्वेटिक होगा या मॉइस्ट रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट चाहिए किसी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए

ठीक है तो स्पॉम जो होता है वो स्विम करते हुए फिर एक के सरफेस पे अटैच करता है और तब उसको मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर की ओर जाते हैं अगर ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं किया जाएगा तो स्पॉम को स्विम करने में भी दिक्कत होगा और वो एक से फर्टिलाइज नहीं करेंगे और दूसरी बात पहला तो है स्विमिंग के लिए और दूसरा है कि ड्राइंग आउट से बचाने के लिए भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है सो मेनी एक्टिक इन्वर्टिब्रेड सिंपली शेड देयर एग्स एंड टू दराउंडलाइजेशन विदाउट तो कई सारे है इन्वर्टिड होते हैं उनमें ये चीजें पाई जा रही होती है कि जो फीमेल गैमिट में जो एग्स होते हैं वो सिंपली इन्वायरमेंट में या इस्पॉम होते हैं वो सिंपली इन्वायरमेंट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है कोरल्स का एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट में ही बताया हुआ था यस सर नो यस ठीक है जो सर्फेसा yes, के स्प्रेड करते थे और उनका yes, ये होता था तो वो क्या करते हैं कि वो सिंपली एंड एग्स को में में या सराउंडिंग छोड़ देते हैं और वह अपना वहां से ही सराउंडिंग से ही वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं एंड उसमें जो आपके पेरेंट्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं उनका किसी भी तरीके का फिजिकल कॉन्टेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ता है हाउ द टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल टू इंश्योर दैट The mature sperm and the egg encounter one another, timing male female gamete release इसका एक age fix होता है जो भी male gamete होते हैं उनका भी एक age age होता है कि इतने दिन तक ही या इतने hour तक ही वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं female gamete का भी आपका एक time या एक age limit होता है वो भी तब जब वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर में है। लेकिन अगर आप मॉइस्ट इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एज या ऑब्लिक टाइम ये बहुत क्रूसियल फैक्टर होता है जिस वक्त में आपके इन दोनों को फर्टिलाइज कर लेना होता है ये चीजें समझ में आएंगी यस और नो लो, इस पार्म रि, इस पार्म रिलीज कर लिया गया है लेकिन एक जो है वो लेट से रिलीज किया गया ये थोड़ा लेट हो चुका हुआ है इस पार्म जो होते हैं उनका टोटल पॉपुलेशन अब डाई करना शुरू कर चुका है मरना शुरू हो चुके हुए हैं या वाइसा वर्षा है एक तो रिलीज किया गया है लेकिन अभी तक स्पॉम जो है वो रिलीज नहीं किया गया है ठीक है तो ये दोनों का टाइमिंग में अगर ऊपर नीचे है तो भी जा करके ये फिर फर्टिलाइजेशन uh, पॉसिबल नहीं हो पाएगा सो टाइमिंग जो है वो बहुत क्रूसियल है अगर आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स क्लस्टर्ड इन द सेम एरिया रिलीज देयर गैमेट्स इन टू द वॉटर एट द सेम टाइम एंड प्रोसेस नोन एज स्वानिंग सॉरी स्वानिंग बोल दिया मैंने स्पॉनिंग तो ये एक ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पॉन्ड है तो ऑर्गेनिजम्स अपनी अपनी जगह पे ये कर रहे हैं रिलीज कर रहे होते हैं तो उनको पता है कि ये मेटिंग पीरियड है और मेटिंग सीजन या टाइम है तो वो क्या करते हैं वो गैदर अराउंड करते हैं और तब फिर वो वहां पे Uh, uh, ये करते हैं रिलीज करने का काम करते हैं और आप इन सब टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा ऑफ़ ऑफ़ फॉर देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सीजन सो दैट दे कैन रिलीज द गैमेट्स इन टू द एरिया इज कॉल्ड एज द ब्लैंक दिया हुआ है और आपका आपका आंसर होगा स्पॉनिंग सो इन सम केसेस द केमिकल सिग्नल दैट वन इंडिविजुअल जनरेट इन रिलीजिंग द गैमिट फ्रिगर द अदर टू रिलीज द गैमिट तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपका एक्साइटमेंट है उसमें है कि एक सिग्नल केमिकल सिग्नल्स जनरेट होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मेल हो या फीमेल अगर वो अपने गैमिट को रिलीज कर रहा होता है तो कहीं कही ना कहीं वो केमिकल सिग्नल जो है वो दूसरे मेल या फीमेल को जैसा अगर एक मेल अगर रिलीज कर रहा है तो वो दूसरे फीमेल को भी केमिकल सिग्नल भेजने का काम करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि मैंने अपना गैमेट uh, रिलीज किया है देर इज अ टाइम सो दैट यू कैन आल्सो रिलीज योर गैमेट्स सो इन अदर केस द एनवायरमेंटल क्यूज एनवायरमेंटल क्यू भी है जैसे आपने इसके पहले वाले में टेम्परेचर पढ़ा था ये सर yes. रेंडियर्स के एग्जांपल्स yes. yes, में बारा सिंघा वगैरह के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एक एक डे और डे और नाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से दे फिगर इट आउट कि अगर वो अभी का माइग्रेशन स्टार्ट करें तो सम वीक्स में वो ग्रासलैंड तक आप पहुंच जाएंगे तो एक इन्वायरमेंटल होता है जैसे टेम्परेचर हुआ है या डे uh, तो लेंथ है जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा टेम्परेचर को चूज करते हैं कि अगर वो कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर जाए तो बाहर का एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा सुदिंग हो और कोई भी ऑफ स्प्रिंग जो है वो सरवाइव कर सके इसके हिसाब से जो डे लेंथ होता है टेम्परेचर होता है आपने सुना होगा कि कई बार गर्मियां शुरुआत होते रहती हैं उस वक्त जो है मॉस्किटोज अचानक से बहुत तेज हो जाते हैं अभी आप अभी आप ये चीज महसूस भी कर रहे होंगे ठीक हाँ या फिर अभी आप ये भी कर रहे होंगे कि जो बारिश वारिश का जो मौसम होता है वो परफेक्ट सीजन होता है ताकि वो लार्वा लेइंग जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं हालांकि अभी मैंने कोई मॉस्किटो वगैरह या किसी वॉर्म पे पढ़ाई नहीं की है बट स्टिल आई एम जस्ट कोटिंग विथ इट की आखिर टेम्परेचर कैसे ये कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल दलो ये पालोलो वार्म द साउथ पैसेफिक लाइक लाइक द कोरल इन द दिगर फोर्टी सबसे शुरुआत में जो कोरल का जो एग्जाम्पल दिया गया था ऑरेंज और रेड कलर वाला तो पालोलो वो होते हैं थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेला हूं तो पालोलो वम्स भी जो होते हैं आई एम रियली सॉरी अगर निशा अगर मेढक वगैरह से डर लगता है तो कोई बात नहीं है मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूंगा या घिन लगता है तो भी कोई बात नहीं तो पोलोलो वो होते हैं वो क्या करते हैं दू बोथ लूनर साइकिल और पोलोलो वार्मीजिंग द टेल सेगमेंट इन गॉग विद तो ये कहा जाता है कि पोलोलो वार्म क्या करते हैं कि जो भी पोलोलो वार्म है वो जब आपका स्प्रिंग सीजन में जब मून का जो लेंथ होता है या लास्ट क्वार्टर होता है तो वो अपने टेल को कट करके रिलीज कर देते हैं और इनका जो टेल होता है वो इनगॉर्ग होता है इनगॉर्ग मतलब कि भरा हुआ जो फूल जाना होता है ठीक है तो उनका टेल भरा हुआ होता है स्पम और एग से चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो तो उनका जो गैमिट है उनके टेल में एनगॉगमेंट करता है इनगॉगमेंट करने का क्या मतलब होता है मान लीजिए अगर कोई पाइप जा रहा है और आपने एक पाइप को एक जगह से दबा दिया तो क्या होगा वो दूसरे साइड से फूलना शुरू कर देता है मान लो रबर का पाइप है तो वो स्प्रे मतलब फूलना शुरू हो जाएगा अगर आप प्रेशर बनाए हुए हैं तो यस और नोस ठीक है तो इनगॉगमेंट इज काइंड ऑफ स्वेलिंग

जो भी आपका जो टूटा हुआ टेल होता है वो क्या होते हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं टू द ओशियन सरफेस एंड बर्स्ट इन सच अ वास्ट नंबर द विदिट तो इन दैट टाइम जहां पे पालोलो पाए जा रहे होते हैं वहां से इनका टेल क्या होता है बॉटम से ऊपर की ओर जाना शुरू करता है और ऊपर जाकर के बर्स्ट करेगा और यहाँ से वो गैमिट को रिलीज करना शुरू करते हैं और इतना ज्यादा गैमिट का प्रोडक्शन होता है कि सी सरफेस एक मोमेंट के लिए पूरा मिल्की वाइट दिखाई देने लग जाता है बिकॉज ऑफ द गैमिट्स एंड द स्पॉम क्विकली फर्टिलाइज ऑन विद द फ्लोटिंग एग्स एंड विद इन आवर्स द पोलोलो वंस अयर रिप्रोडक्टिव फ्रेंजी इज कम्प्लीट तो इस तरीके से पोलोलो वम्स का है कि वो इन गॉग टेल को रिलीज करते हैं सी में ऊपर जाता है बर्स करने के बाद में वो पूरे सरफेस पे अपने गैमेट्स को स्प्रेड कर देता है मेल हो या फीमेल और वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और इस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है नो फिजिकल कॉन्टैक्ट नथिंग इज इट क्लियर नॉट अब यहां एक दिक्कत है सीजन हो चाहे किसी भी फिजिकल कंडीशन के चलते अगर किसी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सिंक्रोनस नहीं हुआ यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक साथ रिलीज नहीं किए जाते हैं अक्रॉस अ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स में एग्जिबिट स्पेसिफिक कोर्ट बिहेवियर लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ऑफ वन फीमेल उसमें दिया हुआ है, कि अगर किसी भी से का जो है या रिलीज ऑफ गैमिट्स जो होते हैं वो आपके अगर ये नहीं टाइम जो है वो सिंक्रोनस नहीं है यानी एक टाइम पे मेल और फीमेल गैमिट नहीं हो रहे होते हैं तो वो फिर वही आपका कोर्टशिप होता है कोर्टिप यानी कि एक आपसी

या, या लेजार्ड वगैरह को लेकर के इसलिए वो हम डायग्राम नहीं दिखा रहे आप लोगों को ठीक है तो उस वक्त में क्या है कि उस वक्त में जहाँ जो ऑर्गेनिज़म्स वन बाई वन आ, वन बाय वन फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए इंड्यूस हो जाते हैं जबकि उनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना होता था तो वो क्या होंगे फिर जैसा सेक्सुअल uh, रिप्रोडक्शन में होता है बिल्कुल, बिल्कुल उसी तरीके से वो फिर करेंगे लेकिन उसमें क्या है अभी भी uh, ये नहीं है इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा हो रहा है एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन लेकिन जो मेल और फीमेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दे बेटर अंडरस्टैंड दैट की दे बेटर अंडरस्टैंड दैट की नाउ इट इज अ टाइम टू रिलीज और नो ठीक है yes, हाँ so यह था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है फ्रॉग है चाहे काबोलो क्या नाम था कालोलो ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एन environment इज ड्राई और नॉट suitable. ठीक है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये इवोल्यूशन का एक पार्ट है क्योंकि धीरे-धीरे जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं वेट से से या आप ये कहिए कि मॉइस्ट कंडीशन वो फिर धीरे धीरे ड्राई लैंड की तरफ बढ़ रही है और प्रिमिटिव कंडीशन के हिसाब से अब ये मोर और मोर टेरिस्टोरियल रीजन में कन्वर्ट होते चला जा रहा है तो कहीं अगर आप ये कंपल्सरी है कि मॉइस्टर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अब यह बहुत सुटेबल नहीं होने जा रहा है अगर आप टेरिस्टेरियल रीजन में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं तो एक्सटर्नल तो इन्वायरमेंट अगर ड्राई है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक एडेप्टेशन में से काउंट किया जाता है व्हेन द मेल कैमिटीज इंटेंशनली डिलीवर्ड इनटू टू फीमेल फीमेल जेनिटल ऑर्गेन्स और वहां से फिर उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है ठीक yes, yes, है So now it is yeah. haan, it typically requires the sophisticated and compatible reproductive system. Compatible reproductive system karne ka hai ki even if the two species are very similar to each other, human, human kibi a compatibility hoti hai to get uh, to get the new offspring after the fertilization, which I will which I will discuss, which I will let you know in the later classes, as well as a cooperative behavior that lead to the कहने का मतलब है कि कपल से कॉपुलेशन बना हुआ है तो सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए न सिर्फ एक सफेस्टिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत है साथ ही साथ में कॉपुलाइजेशन भी है आप कई बार एनिमल प्लानिट वगैरह पे लाइन वगैरह की बात आप देखते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी न्यू लाइन जो अपने टेरिटोरी को क्लेम करता है उसमें से वो कई सारे दूसरे जानवर को वो मार देता है

मेल कैपलेटरी ऑर्गेन डिलीवर दो भी कैपिलेटरी ऑर्गेन्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं मेल कैपलेटरी ऑर्गन वो स्पॉम डिलीवर का काम करते हैं एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफन हैज रिस्पेक्टिक रिसेप्टिकल्स फॉर द स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ द स्पॉम टू अ मेच्योर एग तो कोई भी मेल गैमिट जो होते हैं वो मेल कैपिलेटरी ऑर्गन है हम लोग को सारा ऑर्गेन डिटेल में पढ़ना है कि मेल कैपिलेटरी ऑर्गन के पार्ट क्या होते हैं कहाँ गैमिट का सिंथेसिस होता है कौन सा डक्ट है जो मेल गैमिट को डिलीवर करने का, का काम कर रहा होता है ठीक उसी तरह से अभी तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गेन क्या होते हैं कहाँ पे एक का सिंथेसिस होता है मैचुरेशन कहा होता है व्हाट इज द साइट जहां पे फ्यूजन हो रहा होता है मेल एंड फीमेल गैमिट का उन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को इसके जस्ट बाद वाली क्लास में नो मैटर हाउ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल ये मायने नहीं रखता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है द मेटिंग एनिमल्स मेक यूज ऑफ फेरोमोन्स फेरोमोन्स क्या होते हैं आप अट्रैक्ट करने के लिए हो या उसको सिग्नल भेजने के लिए होता है दैट यू हैव टू मेट विथ इच अदर सो द फेरोमोन्स आर द केमिकल्स रिलीज बाय वन ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंफ्लुएंस द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ द अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज ठीक है तो ये जो फेरोमोन्स होते हैं ये किसी भी साइड के आपसे पूछा जा सकता है फेरोमेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोथ ऑफ देम नन ऑफ देम इट इज बोथ ऑफ देम सो अगर कोई वॉर्म है जो अपना टेल को रिलीज कर रहा है तो वो कोई ना कोई केमिकल तो रिलीज करेगा ना कि अगर वो मेल रिलीज किया है तो वो फीमेल को भी सिग्नल चला जाए कि हाँ मैंने अपना टेल रिलीज किया है इन गॉर्ग टेल तो आपको भी अपना टेल रिलीज करना चाहिए यस और नो Yes, yes. otherwise जितने भी गैमेट्स है वो फालतू में फालतू में वेस्ट होगा फिर तो फेरोमोन्स आर द फेरोमोन्स आर स्मॉल वोलेटाइल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट डिस्पर्स इनटू द एनवायरनमेंट एंड लाइक हार्मोन्स एंड एक्टिव एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन दैट इज गिवन इन द प्रीवियस चैप्टर फेरोमोन्स के बारे में मेनी फेरोमोन्स फंक्शन एज अ मेट अट्रैक्ट इनेबल सम फीमेल इंसेक्ट्स to टू बी डिटेक्टेड बाई द मेल्स more मोर मोर देन अलोमीटर अवे दिस सो मच पावरफुल केमिकल्स जैसे insects वगैरह की बात करते हैं तो लगभग kilometers away भी अगर अगर कोई दूसरा इंसेक्ट है दूसरे गैमिट कंटेनिंग का चाहे मेल हो या फीमेल हो तो कुछ फीमेल इंसेक्ट्स को वो लगभग एक किलोमीटर दूर से अपने पास में अट्रैक्ट कर सकता है अगर कोई मेल इंसेक्ट अगर किसी फेरो को उनको रिलीज कर रहा होता है यस और नो

कॉन्ट्रोवर्शियल और ह्यूमन फेरोमोन्स जो होते हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल है दैट जिसको जैसा मन करता है वो अपने हिसाब से बिकॉज वी आर मोर कॉमर्शियल काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर इन अ मोर कॉमर्शियल काइंड ऑफ सोसाइटी सो देर आर लॉट ऑफ जैसे परफ्यूम है ठीक है uh, uh, जो भी फेरोमोन्स है

कि अगर एक रूम में फीमेल्स हैं तो एक का फेरोमोन बाकी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सिंक्रोनस करता है मतलब ऑल ऑफ देम आर गेटिंग ऑन ऑन अ अ सेम सेम डे साइकिल साइकिल मेंस्ट्रुअल जो है वो फेरोमोन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं सो दीज आर द लाइक कॉन्ट्रोवर्सियल चीजें हैं जिस पर डिस्कशन होता है एंड वी वी शुड एंड वी मस्ट अवे बी अवे फ्रॉम इट जैसे आप कई एडवर्टिजमेंट में देख रहे होते हैं कि वो क्रीम लगाइए आप चार सेट गोरे हो जाएंगे ये वो कलर स्किन का कलर को भी लोग फेरोमोन्स की तरह यूज कर रहे हैं सो वी आर इट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर करेंट सोसाइटी दैट वी आर मेकिंग एवरीथिंग वेरी कॉमर्शियल दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग मोर यस और नो